नमस्कार, मैं एसबीएन न्यूज में संदीप राठौड़ आपके साथ जुड़ गया हूं। आज राजकोट में बॉम्बे आवास योजना आरएमसी क्वार्टर है, उधर खाने पीने की चीज नहीं है, यहाँ छोटे गरीब लोग रहते हैं और उसके पास खाने पीने का सामान भी अब नहीं रहा है, क्योंकि सारे धंधे बंद है, कोई जा नहीं सकता है, कोई आ नहीं सकता है, इसीलिए घर में पैसे नहीं आते, इसीलिए आज उन लोगों को दाने दाने के मोहताज हो गए। आज आप लोग देख सकते हो कि किसी के घर में खाने की कोई चीज़ नहीं है और बाहर निकले हुए हैं, हमको खाना दो, इसीलिए हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि इन लोगों को खाने पीने की चीज़ मिल जाए। इसीलिए यहाँ पे छोटी मोटी कोई संस्था होती है, वो इन लोगों को खाने पीने की चीज़ दे जाती है, तो हम ये हमारे एचबीएन न्यूज़ के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं कि जो भी हो सके इन लोगों को खाने की व्यवस्था की जाए। तो हम इन लोगों से बात करते हैं कि इन लोगों ने कितने दिनों से खाना नहीं खाया है। आपका नाम क्या है? आप लोगों ने कितने दिनों से खाना नहीं खाया है? 8 दिनों के। 8 दिन से आप लोगों ने खाना नहीं खाया नहीं। तो आप घर में कितने लोग और कैसे रहते हो? 5 लोग। तो खाना 5 लोगों का होता है, तो 5 लोगों का खाना आप 8 दिनों से खाया नहीं है, तो आप लोग 8 दिनों से कैसे जीते हो? थोड़ू बनाने थोड़ू थोड़ू खाए घर में, वो एक लाइट तो कहीं से नहीं। तो तुम्हारे सरकार से आपकी क्या मांग है? कोई करियाणो दे चाहिए, कोई जमवानो दे चाहिए। आप लोगों ने देखा कि इन लोगों के पास 8 दिन से खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, अनाज नहीं है घर में, अब दूसरे और से हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? प्रभा भैया। आप लोगों ने कितने दिनों से खाना नहीं खाया है और राशन कितने दिनों से घर में नहीं है? 4-5 दिन। आप घर में कमाइए, कमाने वाला कौन है? रिक्शा ऑटो चलाते हैं। तो आप घर में कोई कमाई आती है आपके घर में? तो आप अनाज वगैरह कहाँ से लेके आते हो? नहीं नहीं, थोड़ा सा तो कुछ है। तो अभी आपको खाने की जरूरत है तो हम मीडिया से यही दुआ करते हैं और सरकार से यही कहेंगे कि इन लोगों को खाने पीने की चीज़ मिल जाए। तो आप लोगों को खाने पीने की चीज़ भी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग सरकार से कह सकते हो कि हमको दे। आपका नाम क्या है? आप लोगों ने कितने दिनों से खाना नहीं खाया? 10 दिवस क्या साहब, घर में कोई वस्तु नहीं हमारे, हमें प्राइवेट सफाई काम करी तो हमारा घर में वस्तु क्या थी? तुम्हें सफाई कामदार छो तो तुम्हारा सफाई कामदार ने जो कॉन्ट्रैक्टर से ने तुम्हें बात मत करी क्या? वोल्ड में तुम्हें सफाई कामदार छो? प्राइवेट कॉलेज नु नाम शू? क्राइस्ट कॉलेज। क्राइस्ट कॉलेज ना मैनेजर नु नाम शू? એમના મોબાઈલ નંબર છે તમારી પાસે? તો તમે નોકરીએ જાઓ, તમારે કોઈને કેવું હોય કે અમે આજ નથી આવવાના, તો તમે કોને ફોન કરશો? સુપરવાઇઝર ફોન કરી દેવું, સુપરવાઇઝરનો નંબર તો હશે ને તમારી પાસે? નંબર તો કા આગળ હોય સાહેબ, મારી આગળ તો નો, તો એના નંબર અમને આપશો? તમારું નામ? બેન તમારે કેટલા દિવસ થયા? અમે આ 7-8 દિવસ બહુ હેરાન થયા. કેટલા દિનો થયા આપ લોકોને નહીં ખાવા? આપકા નામ ક્યાં હે? आप लोगों ने कितने दिनों से खाना नहीं खाया? आप लोगों ने देखा कि इन लोगों ने कितने दिनों से खाना नहीं खाया है? आप लोग यहाँ पे क्या करते हो सर? और यहाँ बहुत आदमी के पास खाने पीने के लिए सब आदमी क्या है, लेकिन जो घर का काम करती है अभी वो काम में जो ज़्यादातर आदमी ऑटो चला है, ऑटो की बंदी अभी किसी के पास कुछ खाने के लिए है, सब मोटा जो बाकी मोटा जो व्यापारी है उसके पास भी थोड़ा बहुत चलते हैं।
आप लोगों ने देखा कि ये इधर आरएमसी क्वार्टर है, उन लोगों ने आवास योजना है बॉम्बे क्वार्टर, और इधर का एसोसिएशन है, उन लोगों ने इन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है और आज एक दिन की व्यवस्था हुई है। तो उन लोगों की मांग है कि ऐसे ही ये लॉकडाउन है तब तक कुछ खाने की व्यवस्था हो जाए, तो यही सरकार से दरख्वास्त है। मकान वाला खाओ गरीब थे, अमे तो घर काम करवा जाई थी, अब घर काम वाला हमार पगार बंद कर दी था, तो अमे खाऊ हुआ 5 दिन में खाजा पी जाऊंगा ना बेटा थी। अमे तुमने दे हूं सरकार इनके तुमने दे हूं दे हूं आया कोई कुत्रो आई नु पुनेत्र आज तुम्हें आईवा बाकी एम के अंदर करो अंदर करो अंदर करी तो हूं भूखे मरी की आवे हमारा छोकरे ने साव भाव आवे से कोई आईवा दवा देवा आज ऐसे ही बात करेंगे तो सरकार आपको ऐसे ही थोड़ी दे देगी। आपको सभी का सरकार ने टीवी में सब हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप उसमें भी कॉल कर सकते हो ना। अरे वो तो अपन सब नकर फोन है कलवाए तुम्हारे देव आए એટલે તમને કહી છે તમે બધી અમારી માંગ પૂરી કરો। સરકાર ને એમ કે નરેન્દ્ર મોદી કે ઘરે ઘરે રૂમ નંબર લખી લ્યો મકાન નંબર લખી લ્યો અને બધાને ખાવા પીવાનું દ્યો, બાકી તમે બે જણા આવીને હાલો ટિફિન લઈ જાઓ, ટિફિન તો અમુક માણસ ધંધા કરીને ખાતા નહીં, શરમ આવે કોઈ ટિકિટ લેવા ન જાય, ઘરે ઘરે નંબર લખાવો એમ કે આ મકાન નંબર ના લે ભાઈ તમારું ટિફિન ઘરે ઘરે ટિફિન દ્યો તો માણસ ખાય ને અમુક માણા માણા જો ઘરમાં ભૂખે મરી જાય કોઈ ટિકિટ લેવા નથી જતા, અમે ઈજા તાબરૂ વાળા માણસ અહીં ટિફિન લેવા જાય ને તો કોઈક માણસ કે આને શું પડી છે, અમે બહાર ના કામ કરીને ખાઈ પણ ભૂખે કોઈ ટિફિન લેવા आज आप लोगों ने देखा कि इन लोगों की मांग ये है कि हम लोगों को खाना पीने का चीज नहीं मिलती है और कोई भी आता नहीं है इधर, और कोई इधर का जो कॉर्पोरेटर है कोई भी है धारा सभ्य कोई भी इधर आता नहीं है, और ऐसी जानकारी लेने जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एचपीएन न्यूज़ संदीप राठौड़ के साथ राजकोट।